नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं, जी हां, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी पे जो है तंज कसा है। बीजेपी की सांसद है मीनाक्षी लेखी ने और इस तरह से तंज किया है, तंज कसा है कि राहुल गांधी खुद जो है इस तंज पर जो है पूरी तरह से फंस चुके हैं। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी का राहुल पर तंज, कार्तिक की गिरफ्तारी ने नानी याद दिला दी। जी हाँ, मीनाक्षी लेखी का कहना है कि कार्तिक चिदंबरम का जो मामला, आपको मैं यहाँ पर थोड़ी जानकारी दे दूँ कि पी चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया घोटाले का आरोप लगा है और सीबीआई ने उन्हें पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि बीजेपी सरकार में नीरव मोदी घोटाला और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, वही कांग्रेस अब खुद घेरती हुई नजर आ रही है। कार्तिक चिदंबरम का जो मामला है उस मामले को लेकर और साथ ही साथ पंजाब के सीएम जो कैप्टन अमरिंदर हैं उनके दामाद पर भी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से घोटाले का आरोप लगा है। तो कुल मिलाकर यह है कि जो कांग्रेस जो है खुले सरेआम कह सकते हैं बीजेपी पर तंज कसती थी, खुले तौर पर तंज कसती थी, वही कांग्रेस अब चुप है। जिस तरह से कांग्रेस जो है बीजेपी पर अक्सर तंज भी कसती थी जैसे नीरव मोदी मामले को लेकर, लेकिन अब कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। जो राहुल गांधी पीएम मोदी को लेकर अक्सर बयानबाजी देते थे, जो उन्हें जो है घेरने की कोशिश करते थे, वही राहुल गांधी अब चुप है। अगर रिपोर्ट्स की तरफ मैं बात कर लेता हूं तो देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के होली के मौके पर अपनी नानी संग होली खेलने इटली जाने पर तंज कसते हुए भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट करते हुए लिखा, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम की गिरफ्तारी ने राहुल गांधी को नानी याद दिला दी। उन्होंने लिखा, बहुत बढ़िया इशारा है, कार्तिक की गिरफ्तारी ने नानी याद दिला दी। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, मेरी नानी 93 साल की, वो बहुत ही दयालु महिला है, इस होली वाले वीकेंड पर मैं उन्हें सरप्राइज देने जा रहा हूँ, मैं उन्हें गले लगाने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ, सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, खुशी खुशी त्यौहार मनाइए। मालूम हो कि राहुल की नानी इटली में रहती हैं। पिछले साल राहुल गांधी अपना 47वां जन्मदिन मनाने भी अपनी नानी के पास गए थे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट किया। और आपको मैं बता दूं कि ट्विटर का वार ये अब शुरू हो गया है और जिस तरह से कहीं ना कहीं देखिए कार्तिक चिदंबरम की जो कह सकते हैं मुसीबतें हैं, ये अब राहुल गांधी के लिए एक बहुत ही अलग बन चुकी है, एक राहुल गांधी के लिए चुनौती बन चुकी है। जो राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधते थे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, हाल ही में पीएनबी जो घोटाला हुआ है, पीएनबी घोटाले को लेकर भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि चौकीदार जो है सोते रहे, इस तरह के तमाम तरह के जो है कमेंट्स भी किए थे। लेकिन अब देखिए राहुल गांधी खुद जो है आरोपों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से कार्तिक चिदंबरम का मामला देखने को मिला है। और आपको बता दूं, कार्तिक चिदंबरम पर जो घोटाले का आरोप लगा है उससे अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2019 में लोकसभा का चुनाव है और अगर देखिए 2019 में लोकसभा का चुनाव, और अगर ऐसे में कांग्रेस के जो नेता है इस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं और जिस तरह से जांच की जा रही है और मामला उठ रहा है, तो ये कांग्रेस के लिए एक मुसीबतों भरा पल हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस हर हाल में 2019 का चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया का सहारा हो, चाहे वो ट्वीट के जरिए कह सकते हैं कि ट्विटर के जरिए वो जो है अपना चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, या फिर तमाम तरीके ऐसे हैं जिसको वो एक आधार बनाकर चुनाव जीतना चाह रही है। लेकिन अब जिस तरह से कार्तिक चिदंबरम का मामला सामने आ गया है, तो कार्तिक चिदंबरम का मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और कांग्रेस अब मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है।
अगर देखिए कार्ति चिदंबरम का मामला अगर जैसा चल रहा है और ईडी पूछताछ भी कर रही है, तो जिस तरह से राहुल गांधी कहते थे कि हमारी पार्टी साफ सुथरी है और हमारे पार्टी की जो नेता है वो भ्रष्टाचारी नहीं है, और जिस तरह से अब कार्ति चिदंबरम का मामले सामने आया है, तो सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है और पत्ते साफ हो चुके हैं। जो कांग्रेस नीरव मोदी घोटाले को लेकर अपनी बात कह रही थी, नीरव मोदी घोटाले को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा जा रहा था, वही कांग्रेस ने अब चुप्पी साध ली है, राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है और अब वो कोई बयानबाजी नहीं दे रहे। तो इस तरह से देखिए आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे कांग्रेस हो तो चाहे बीजेपी, दोनों ही जो है भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से घुल मिल चुके हैं और दोनों ही चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं। तो देखिए अगर 2019 की बात करूँ तो क्या कार्ति चिदम्बरम की वजह से राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे? क्या कार्ति चिदम्बरम ने राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? क्या कार्ति चिदम्बरम की वजह से कांग्रेस पार्टी की नैया डूब जाएगी? जी हाँ, इस तरह की बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्ति चिदम्बरम का मामला जो जिस तरह से सामने आ गया है और जिस तरह से ईडी छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो इससे कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान असर देखने को मिल सकता है और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी को लेकर तंज भी कसा कि कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी को नानी याद आ गई, तो देखिए जिस तरह से ट्वीट के जरिए मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है, तो ये साफ साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से राहुल गांधी अब परेशान हो गए हैं, राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। जो राहुल गांधी पार्टी को ऊंचे स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जो पार्टी को एक बेहतर मुकाम दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जो 2019 के चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रहे थे, वही राहुल गांधी अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो क्या करें। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस की तरफ से जो नेताओं का बयान है वो जारी है। नेताओं का कहना है कि बीजेपी अपने आरोपों को छुपाने के लिए बेवजह उन्हें परेशान कर रही है और बेवजह तरीके से जो है उन्हें इन इन सब मामलों में घसीट रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कार्ति चिदम्बरम ने घोटाला किया है और ईडी पूछताछ कर रही है। तो देखिए जिस तरह से सरकार में रहते हुए इतना बड़ा घोटाला हुआ, कांग्रेस की सरकार में रहते हुए कार्ति चिदम्बरम का मामला अगर लिया जाए तो कार्ति चिदम्बरम ने जिस तरह से घोटाला किया, ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस के समय में भी घोटाले हुए हैं और हो रहे थे, और जिस तरह से कार्ति चिदम्बरम का मामला आया सब कुछ साफ हो गया। यानी कि राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में जो है घोटाले हो रहे हैं, बीजेपी की सरकार में ही जो है काफी उठा पटक है और बीजेपी की सरकार में ही लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन अब राहुल गांधी खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है। जी हाँ, अमित शाह के बेटे जय शाह का मामला भी सामने आया था, उन पर भी जय शाह पर भी अपनी कंपनी को मुनाफा कमाने के लिए उन पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने गलत तरीके से कंपनी को मुनाफा पहुंचाया है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि पीएम मोदी ने रोजगार को लेकर जिस तरह का बयान दिया था और जीएसटी का मामला जिस तरह से इन दिनों चल रहा है और साथ ही साथ नीरव मोदी का मामला भी चल रहा है, तो ये सब चीज़ें देखिए वोट के दौरान काफ़ी ये सब चीज़ें असर पहुंचाती हैं, और वो जब कह सकते हैं चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब करती है, और जो चुनाव के दौरान जो है जिस तरह की बातें की जाती हैं, चुनाव के दौरान जो है पार्टियों की जो गलत छवि होती है वो उस दौरान सामने आ जाती है। तो देखिए सरकार, अगर मैं बीजेपी की बात करूँ तो सरकार को भी दूसरे पर आरोप लगाने से पहले खुद कह सकते हैं अंदर झांकना चाहिए। जिस तरह से लोग परेशान हैं और जनता का कहना है कि 4 साल तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। जी हाँ, देखिए अगर मैं बात करूँ, नीरव मोदी का घोटाला सामने आया था, उसके बाद अमित शाह के बेटे जय शाह का मामला सामने आया था, और कहीं ना कहीं जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी की वजह से कई व्यापारी वर्ग परेशान थे, और अब देखिए नौकरी पेशा, जी हाँ, बेरोजगारी को लेकर जिस तरह का बयान सामने आया था पीएम मोदी का, तो काफ़ी युवा वर्ग के लोग नाराज हुए थे। लेकिन साथ ही साथ देखिए अब एक मामला और सामने आ गया है, एसएससी का मामला। जी हाँ, देखिए जो जिस तरह से एसएससी के मामले की अगर मैं बात करूँ तो छात्रों का कहना है कि
उन्होंने टायर 2 में पहुंच चुके हैं छात्र, और उनका कहना है कि एग्जाम में धांधली हो रही है। तो देखिए सरकार जिस तरह से बीजेपी की अगर मैं बात करूँ घिरती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को युवाओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि युवाओं की क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से वो परेशान है जो छात्र रात दिन मेहनत कर रहे हैं और कई जो है अपने सपने संजोए हुए, इस तरह से उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए, ना कि राजनीति ज़्यादा करनी चाहिए। चुनाव नज़दीक है और अगर सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो सरकार को उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि युवा वर्ग के लोग जो है बहुत अहमियत रखते हैं वोट के दौरान, और युवा वर्ग के लोग ज़्यादा वोटिंग भी करते हैं। तो ऐसे में देखिए सरकार को, अगर मैं बीजेपी की बात करता तो पीएम मोदी को रोजगार के नए अवसर तलाशने चाहिए। अगर बात करूँ दिल्ली में, अगर बहुत से ऐसे पद खाली हैं जहाँ पर रोजगार नहीं है, तो दिल्ली ही नहीं कई जगह ऐसे हैं या फिर कह सकते हैं कि पूरे देश में जो है बेरोजगारी है। तो रोजगार के नए अवसर किस तरह से पैदा किए जाए और किस तरह से वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर बैठाया जाए, तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। और अगर सरकार इस विषय में नहीं सोचती है और बड़ा कदम नहीं उठाती है, तो 2019 में सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा, और हो सकता है कि 2019 में बीजेपी की सरकार आपकी बार ना आए। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2019 में किस कौन सी पार्टी जीतती है, लेकिन जिस तरह से घमासान मचा हुआ है दोनों पार्टियों के बीच, ये बहुत ही अहम मुकाबला है। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।